ये मामला जिला प्रयागराज पुलिस से संबंधित है। जनता की सुनवाई के दौरान बहुत सारी शिकायतें ऐसी मिल रही थी कि विभिन्न थानों के कुछ दारोगा ऐसे हैं जो बात की सुनवाई नहीं करते हैं, जनता के साथ अभद्रता करते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ भ्रष्टाचार की भी शिकायतें बताई गईं। और यही नहीं, कुछ ने उनसे अपराधियों से साठगांठ की भी बात बताई। इसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया और गोपनीय टीमें लगाई गई थी। उन टीमों ने जो रिपोर्ट दिया उसके मुताबिक हमारे प्रयागराज ज़िले में कुल 41 थाने हैं और उसमें से 7 थाना क्षेत्रों से कुल मिलाकर 1 दर्जन यानी कि 12 दारोगाओं को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। उन्हें हिदायत दी गई है कि वो फील्ड में नहीं रहेंगे, वो जनता के निकट नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका कार्य और आचरण इस तरह का नहीं है कि वो जनता के बीच में काम करें। इसलिए पुलिस लाइन में उनको ट्रांसफ़र आउट कर दिया गया है, यानी लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस कार्रवाई से संदेश भी है कि हमारे पुलिस जन जो अगर जनता की सुनवाई नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे या फिर अपराधियों से साठगांठ रखेंगे, उनके खिलाफ कठोरतम विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उन्हें किसी भी सूरत में कतई बख्शा नहीं जाएगा। इनमें सभी 12 दारोगाओं के खिलाफ जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसकी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा जांच कराई जाएगी। अगर जांच में उनका दोष पुख्ता एस्टैब्लिश होता है तो कठोरतम विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई से वो कतई बच नहीं पाएंगे।